सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड सरप्लस का कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ना हम इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी बोलती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी कंट्री की इम्पोर्ट है और जो एक्सपोर्ट है उनके दरमियान कितना डिफरेंस है, उनका कंपैरिजन करते हैं और जो कंट्री की स्ट्रेंथ है उसको देखते हैं। कंट्री ने कितनी इंप्रूवमेंट की है, कंट्री की जीडीपी कितनी स्ट्रांग हुई है, कंट्री की इकोनॉमी किस मुकाम पे खड़ी है, हम ये चीज़ें देखते हैं। देखिए, अगर हमारी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट क्या होती है कि हम आउट ऑफ कंट्री से कोई चीज़ें अपने कंट्री में मंगवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम इंडिया में रहते हैं तो पाकिस्तान से कुछ चीज़ें मंगवा रहे हैं तो ये क्या इंपोर्ट है? और अगर हम इंडिया में रहते हैं और कुछ चीज़ें पाकिस्तान में भेज रहे हैं, बेचने की गर्ज से सेल कर रहे हैं पाकिस्तान के किसी भी सेलर को, तो ये क्या कर रहे हैं? हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हम ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस देखते हैं और डिफरेंस देख के हम कंट्री की जीडीपी का अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेट फिगर देखते हैं, इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। और अभी ये देखें, जब हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो इंपोर्ट कम होंगी, तो हमारी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव होगा। और वो इसका ये मतलब होगा कि हमारी जो कंट्री है वो तरक्की कर रही है, वो डेवलप हो रही है, उसकी जीडीपी स्ट्रांग है। तो अभी ये देखिए, नीचे ट्रेड सरप्लस है। ट्रेड सरप्लस में क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है जब वो बढ़ जाती है ना और इंपोर्ट हमारी कम हो जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस। फॉर एग्जांपल, हमने 1,00,000 रुपए की चीज़ें जो है बेच दी हैं आउट ऑफ कंट्री। हम इंडिया में रहते हैं, कैनेडा में हमारे कंट्री ने, पूरे इंडिया के कंट्री ने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इंडिया के कंट्री ने 1,00,000 रुपए की चीज़ें बेच दी हैं और मंगवाई कितने की है? 50,000 की। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा की है, इंपोर्ट कम की है, तो इसको बोलेंगे ट्रेड सरप्लस। 50,000 की ट्रेड सरप्लस हो गई है। तो ये इन दोनों का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।